शिवा गौतम और आज का जो हमारा सेशन होगा ये बेस्ड होगा डेलीगेट एंड इवेंट्स इन सी शार्प। ठीक है, ये सी शार्प डॉट नेट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम डॉट नेट कोर स्टार्ट करेंगे, लेकिन डॉट नेट कोर और सी शार्प के बीच में मैं आपका पहले एस्टिमेशन व्यू एस्टिमेशन देखूंगा कि कितने लोग इस चैनल को व्यू कर रहे हैं, इन वीडियोज को व्यू कर रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। ठीक है, यदि आपका व्यूज बहुत अच्छा आएगा तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। यदि व्यूज बहुत कम आएंगे तो मेरा जो एफर्ट होगा वो इतना ज्यादा बेटर नहीं होगा। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज्यादा ज्यादा जो .NET के इंटरेस्टेड लोग हैं उनके तरफ वीडियो शेयर करिए और ज्यादा ज्यादा वीडियो व्यू करिए। ठीक है, जिससे मैं अपना जो हार्डवर्क करूँ उस हार्डवर्क का मतलब भी निकले, मतलब कम से कम इसके व्यूज भी कुछ हो तो मेरे हार्डवर्क का कोई मतलब है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वीडियोज बनाने के लिए पहले मुझे कंटेंट को बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब मुझे पूरा एक दिन एक वीडियो के लिए देना पड़ता है। तो यदि उसके अंदर 100-200 या 50 व्यूज आएंगे तो आपको ही पता है कि इससे मेरा जो मनोबल है ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले थोड़ा सा हम गैप करेंगे करीबन, अब ये गैप आपका 7 दिन 10 दिन 15 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप पहले खुद का भी स्टडी करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को प्रमोट करने को ट्राई करिए। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है ये लास्ट सेशन है सी शार्प का, फिर इसके बाद .NET कोर यूज होगा, क्योंकि सी शार्प एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और .NET कोर एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो .NET कोर के अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे ASP.NET का वेब एप्लीकेशंस का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेशन हमारा यहीं तक था। यदि आप फ्रेशर लेवल पे किसी भी .NET कंपनी में जाते हो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा पूछा जाता है आपसे। यदि आपने मेरा पूरा का सेशन जो मैंने लेक्चर फर्स्ट से लेकर के अभी तक का जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं, यदि आपने बहुत अच्छे से सीखा है, एक एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है, तो आपको रिटर्न गारंटी दे सकता हूं कि आपको जो भी फ्रेशर लेवल पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि एक्सपीरियंस लेवल का आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए फिर आपको फ्रेमवर्क आना बहुत जरूरी है, बिना आपका एक्सपीरियंस लेवल का इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। फ्रेशर लेवल के लिए इनफ है यदि आप कॉलेज कैंपस में बैठ रहे हैं, कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है और आप अपने रिज्यूमे में सी शार्प स्किल लिख रहे हो या .NET स्किल लिख रहे हो तो कंपनी के लिए सिर्फ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही होती है। लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस प्रोफाइल में जाते हो या फॉर एग्जांपल आप पास आउट हो और यदि आप वॉक इन इंटरव्यू में नहीं जाते हो, आप ओपन कैंपस ड्राइव में नहीं जाते हो, आप डायरेक्टली किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हो, तो फिर कंपनी की डिमांड तो ये होगी कि आपको .NET फ्रेमवर्क का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इंप्लीमेंटेशन करता हूं कि डेलीगेट्स एंड इवेंट्स क्या होते हैं सी शार्प में। तो डेलीगेट्स एक्चुअली क्या है, ये GUI प्रोग्रामिंग में ज्यादा यूज होता है, इसका CUI प्रोग्रामिंग से इतना कोई लेना देना नहीं है। तो डेलीगेट्स क्या होते हैं, डेलीगेट्स को अपन कैसे डिफाइन करेंगे सी शार्प में, तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि जैसे देखो सबसे अच्छा एग्जांपल डेलीगेट्स का ये है कि जैसे मान लो दो कंट्री, अभी यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग कंट्री डेलीगेट का काम कर रहे हैं। जैसे अपना इंडिया भी क्या है, एक डेलीगेट का काम करता है। डेलीगेट कुछ नहीं, एक इंटरमीडिएट होता है किसके बीच में, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट अभी डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर रहा है, फंक्शन से कनेक्ट कौन होगा, डेलीगेट होगा, और ऑब्जेक्ट अब किससे डील करेगा, डेलीगेट से डील करेगा। तो डेलीगेट को अपन क्या बोल सकते हैं, फंक्शन पॉइंटर। यदि आप डेलीगेट को नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन का पॉइंटर हो गया। ठीक है, डेलीगेट में अपन क्या पास करेंगे, वी विल पास फंक्शन एड्रेस अंडर द डेलीगेट्स। ठीक है, डेलीगेट्स के अंदर फंक्शन का जो एड्रेस है वो अपन क्या करेंगे, पास करेंगे। तो अपन सिंपली बता सकते हैं कि डेलीगेट्स इज नथिंग, ठीक है, डेलीगेट्स इज नथिंग, इट इज अ पॉइंटर ऑफ फंक्शन। ठीक है, जो भी फंक्शन हम बनाएंगे उस फंक्शन का क्या है, एक पॉइंटर है, और इसकी मदद से अपन इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया भी है कि डेलीगेट्स इन सी शार्प अलाउ यू टू रेफरेंस ए मैथड लाइक अ वेरिएबल क्रिएटिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोग्राम। मतलब डेलीगेट्स कुछ भी नहीं है, एक रेफरेंस होता है किसका, मेथड का। ठीक है, सिमिलर टू वेरिएबल, आपको ऐसा फील होगा जैसे ये वेरिएबल होते हैं, इनका मेन काम होता है किसी भी मेथड को कॉल करना। ठीक है, डेलीगेट्स इसका जो सिंटेक्स है वो आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें ये भी बताया कि इट इज अ कॉल्ड फंक्शन पॉइंटर। डेलीगेट्स को आप फंक्शन पॉइंटर भी बोल सकते हो। जैसे आपने कभी सी पढ़ा होगा तो पॉइंटर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है, जैसे ए बराबर 10 है। अब मैंने यहाँ पे इंट पॉइंटर पी लिया। ठीक है, पॉइंटर में मैंने किसका एड्रेस पास कर दिया, ए का एड्रेस पास कर दिया। तो ये जो आपका ए, मतलब पी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। ठीक, वैसे ही आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। ठीक है, अब डिस्प्ले फंक्शन के लिए मैं इसका जो एड्रेस है मैं किस में पास कर दूंगा, डेलीगेट में पास कर दूंगा, जिसका मतलब ये है कि जब मैं डेलीगेट को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो डेलीगेट मतलब किसी भी फंक्शन को यदि आपको बहुत ज्यादा रिपीटेडली कॉल करना है तो आप उस फंक्शन, जब आप फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर का क्या होता है, मेमोरी डिसमैनेज होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम आती है, इससे परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का स्लो होता है। तो इसके लिए क्या बनाते हैं, अपन डेलीगेट बनाते हैं कि फंक्शन आपका वहीं रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। फंक्शन के अंदर के फंक्शनैलिटी को यदि आपको अचीव करना है तो आप डेलीगेट को पकड़िए और डेलीगेट के थ्रू फंक्शन को कॉल करिए। तो डेलीगेट सिंपली क्या है, फंक्शन का एक रेफरेंस होता है, नथिंग एल्स। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्राइम मिनिस्टर से भी आपको बातचीत करना है, किसी भी मिनिस्टर से बात करना है, एक छोटे से मिनिस्टर से भी बात करना है, तो आपको उसका क्या होगा, उसके प्रतिनिधि से बात करना पड़ेगा, उसके सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप किसी भी मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते। तो जो सेक्रेटरी या जो उसका प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, जो आपकी बात मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। डेलीगेट का बिल्कुल सिंपल सेंटेक्स है, देखो पब्लिक, इसके बाद आपको डेलीगेट कीवर्ड यूज होगा, रिटर्न टाइप और यहाँ पे डेलीगेट का नाम। जैसे आपको कोई डेलीगेट बनाना है किसी फंक्शन के लिए तो बस ध्यान रखना पब्लिक डेलीगेट तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डेलीगेट के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप आपके फंक्शन के नाम पे डिपेंड करता है, यदि फंक्शन का रिटर्न टाइप है तो डेलीगेट का भी रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, डेलीगेट के दो टाइप होते हैं, सिंगल कास्ट डेलीगेट, सिंगल कास्ट डेलीगेट, एक डेलीगेट किसको पॉइंट करता है, एक फंक्शन, वन डेलीगेट टू वन फंक्शन। और यदि एक डेलीगेट मल्टीपल फंक्शन को पॉइंट करता है, इसे बोलते हैं मल्टी कास्ट डेलीगेट। और डेलीगेट का यूज कहाँ पर होता है, इवेंट हैंडलिंग के प्रोग्राम में। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पहले डेलीगेट का समझाऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल से ही आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल से आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते। तो मेरा सजेशन यही है कि मैंने जितने प्रोग्राम बनाए हैं उन सभी प्रोग्राम को आप ईमानदारी से चलाइए, आपके बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एक पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि यदि फंक्शन नहीं होगा तो डेलीगेट क्या करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फंक्शन पॉइंटर है तो पहले फंक्शन तो होना चाहिए ना हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम दे दिया मैंने फंक्शन, ठीक है, बॉडी, ठीक है, नॉर्मल दे दिया, फंक्शन बॉडी लिख दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन, ओके, और यहाँ पर मैंने मेन का एम कैपिटल किया। अब यहाँ पर मैं एक डेलीगेट बनाऊँगा, ठीक है, पब्लिक डेलीगेट void, ठीक है, यहाँ पे डेलीगेट का नाम दे दिया मैंने माई डेलीगेट, ये बन गया अपना डेलीगेट। अब आप सोच रहे हो कि ये डेलीगेट क्यों बनाया, क्योंकि डेलीगेट फंक्शन को कॉल करेगा। अब ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, अब डेलीगेट एग्जाम्पल मैंने क्लास का नाम क्या दिया है, डेलीगेट एग्जाम्पल obj इक्वल टू न्यू डेलीगेट एग्जाम्पल, ये मैंने बनाया। अब इसके अंदर, इस डेलीगेट एग्जाम्पल के अंदर मैं क्या करूँगा, देखो अब डेलीगेट के अंदर, डेलीगेट को मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे डेलीगेट का नाम क्या है, माय डेल, यहाँ पे obj डॉट, नाउ आई विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेलीगेट, ओके, तो माय डेल मैंने डेलीगेट को ऑब्जेक्ट बनाया, del इक्वल टू न्यू माय डेल, और डेलीगेट में किसका एड्रेस पास कर दिया, फंक्शन का एड्रेस। आपको पता होना चाहिए फंक्शन का जो नाम होता है वो उसका एड्रेस होता है, कोई सा भी फंक्शन का नाम उसका एड्रेस होता है। अब मैं इसको कॉल किसको करूँगा, डेलीगेट को कॉल करूँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं कंसोल डॉट, ठीक है, बस। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें मैंने फंक्शन कॉल नहीं किया, मैंने किसको कॉल किया, डेलीगेट को, डेलीगेट को कॉल किया, डेलीगेट ऑटोमेटिकली किसको कॉल करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और यहाँ पे आ जाएगा डेलीगेट एग्जाम्पल, डेलीगेट एग्जाम्पल इट विल शो हियर। एक बार बिल्ड जरूर करिए कोड को आप, क्योंकि जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आपका जो exe है वो जनरेट नहीं होगा, और exe यदि आपका जनरेट नहीं होगा तो वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। ठीक है, देखो अपीयर हो गया, अब मैं इसको रन करूँगा, तो ये एक सीधा सीधा प्रोग्राम है जो आपके डेलीगेट्स को, मैंने फंक्शन बॉडी आपका कॉल हो गया। तो जैसे आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन को 10 बार कॉल करना है, तो फंक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन को आपको एक्सेस नहीं करना है, आप सिर्फ डेलीगेट को कॉल करिए, डेलीगेट ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल करेगा। तो देखो इससे फंक्शन जो है वो डिसमैनेज नहीं होगा, अनमैनेज नहीं होगा। ठीक है, इससे आपका परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का क्या होगा, बढ़ेगा। इसे बोलते हैं सिंगल कास्ट डेलीगेट, एक डेलीगेट से एक फंक्शन को अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। अब एक डेलीगेट से यदि आप मल्टीपल फंक्शन पॉइंट करते हो तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टी कास्ट डेलीगेट। मल्टीपल कास्ट डेलीगेट का एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एक दूसरा फंक्शन बनाया, बस ध्यान रखना कि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मैंने ये डेलीगेट, अब इसी डेलीगेट से मैं क्या करूँगा, दूसरे फंक्शन को कनेक्ट कर दूंगा। तो देखो डेलीगेट के अंदर फंक्शन को कनेक्ट भी कर सकते हैं, डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, फंक्शन वन, इसको मैंने डेलीगेट से कॉल कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इस डेलीगेट को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन को भी कॉल करेगा और फंक्शन फन वन को भी कॉल करेगा, क्योंकि एक साथ दो फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टी कास्ट डेलीगेट, तो ये इवेंट हैंडलिंग में यूज होता है। देखो दोनों फंक्शन बॉडी और फंक्शन बॉडी वन, मतलब दोनों फंक्शन एक साथ कॉल हो रहे हैं। अब मुझे नहीं करना है कॉल, मुझे इसको डिसकनेक्ट करना है, तो माइनस इक्वल टू से आप क्या कर सकते हो, इसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेलीगेट आपके इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप डॉटनेट का इंटरव्यू देने जाओगे तो डेलीगेट्स तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा।
ठीक है, डेलीगेट्स हो गया, इवेंट हैंडलिंग क्वेश्चंस हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इन पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया डेलीगेट में, सिंगल कास्ट और मल्टी कास्ट डेलीगेट मैंने दोनों आपको समझा दिया बहुत ही आसान तरीके से, आप चला के देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इवेंट। तो जो डेलीगेट हमने बनाया क्यों, इवेंट के लिए, और इवेंट क्या होता है, ये जीयूआई प्रोग्रामिंग में यूज होता है। जैसे आपके पास एक बटन है, बटन पे आप क्लिक करते हो, जैसे आपने बटन पे क्लिक किया तो एक इवेंट रेज हुआ। ठीक है, तो इन सी शार्प इवेंट अलाउ ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट ऑफ ईच अदर बाय सेंडिंग सिग्नल्स व्हेन समथिंग इंटरेस्टिंग ऑकर्स। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो इवेंट के अंदर ही कोई भी फंक्शनलिटी यदि आपको इंप्लीमेंट कराना तो आपको इवेंट यूज करना पड़ेगा। बटन का क्लिक करना, रेडियो बटन पे चेक करना, चेक बॉक्स को चेक करना, दिस इज अ जीयूआई प्रोग्रामिंग, और ये पूरा इवेंट पे बेस्ड होता है। इवेंट डिक्लेरेशन रिक्वायर्स अ डेलीगेट, डेलीगेट बनाते किसके लिए, इवेंट के लिए। दैट स्पेसिफाई द सिग्नेचर ऑफ द मैथड दैट विल हैंडल द इवेंट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज डन यूजिंग द एड एंड रिमूव कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपको इवेंट्स एक तरह से एक्शंस होते हैं दैट अलाउ क्लासेस और ऑब्जेक्ट टू इन्फॉर्म अदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट व्हेन एन इंटरेस्टिंग फिनोनिमा ऑकर्स। यदि किसी भी एक क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शनैलिटी को किसी दूसरे क्लास और ऑब्जेक्ट से क्या करना है, कनेक्ट करना। जैसे बटन अपने आप में क्या है, एक क्लास है। अब बटन क्लास को क्या करना है, किसी दूसरे क्लास से कनेक्ट करके उसके अंदर के इवेंट को इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इवेंट हैंडलिंग मैनेज करना पड़ेगा। तो इवेंट में दो चीज़ें होती है, एक पब्लिशर्स होता है, दूसरा सब्सक्राइबर्स होता है। ठीक है, द पब्लिशर डिटरमाइन व्हेन एन इवेंट इज रेज्ड एंड व्हाइल द सब्सक्राइबर डिटरमाइन द एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट। क्या एक्शन परफॉर्म होगा ये सब्सक्राइबर में होता है, और क्या इवेंट आपका इंप्लीमेंट होगा ये पब्लिशर्स में होता है। ठीक है, तो इवेंट के अंदर आपको पब्लिशर्स और सब्सक्राइबर्स बनाना होगा। ये इवेंट मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, पब्लिक डेलीगेट स्ट्रिंग डेमो डेलीगेट करके मैंने एक डेलीगेट बनाया, इसमें एक इवेंट बनाया मैंने क्लास के अंदर। देखो इस डेलीगेट का मैंने क्या करा, एक रेफरेंस बनाया और इसको मैंने क्या करा यहाँ पे कॉल किया, और इसके बेसिस में मैंने क्या किया इस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो इसको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट थिंग्स आई एम डिस्कसिंग हियर। ठीक है, तो इसके लिए मतलब आप ये समझ लो कि डेलीगेट्स का इम्प्लीमेंटेशन अपन किसके लिए करते हैं, इवेंट के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक इवेंट नाम से एक मेथड्स बना लेता हूँ, न्यू आइटम यहाँ पे दे देता हूँ मैं इवेंट एग्जांपल। तो मतलब डेलीगेट नहीं तो इवेंट का कोई मतलब नहीं, सिंपल एक डेलीगेट एक इवेंट बनाता हूँ, पब्लिक डेलीगेट। ओके, आफ्टर दैट स्ट्रिंग टाइप का डेलीगेट बना रहा हूँ मैं इस बार, और यहाँ पे इसका नाम दे दिया मैंने डेमो डेलीगेट। ठीक है, अब पैरामीटराइज्ड डेलीगेट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रिंग str1 एंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे जाएगा str2। ठीक है, आप देख सकते हो सिंपल एक मैंने एक डेलीगेट बना लिया यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये मेरा डेलीगेट क्रिएट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि डेलीगेट मैंने बनाया क्यों, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, कोई मेथड ही नहीं है। तो अभी मैं मेथड्स बनाने वाला हूं, अभी मैंने सिर्फ एक डेलीगेट का डिक्लेरेशन किया है सिंपल। ठीक है, जो डेलीगेट किसी भी मेथड को रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसमें यही है कि आपको स्ट्रिंग को प्रीफर करना है। ठीक है, पब्लिक डेलीगेट, डेलीगेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी। ठीक है, ये मैंने करेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक इवेंट बनाऊंगा, इवेंट इवेंट के लिए आपको इवेंट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, इवेंट, और इस इवेंट का नाम मैंने दे दिया डेमो डेलीगेट। ठीक है, जो भी डेलीगेट है, और यहाँ पे इवेंट का नाम दे दिया मैंने माय इवेंट। ओके, और इस इवेंट का मैं क्या करूँगा, ये मैंने मैनेज कर दिया माय इवेंट नाम से, मैंने इवेंट्स बना दिया। अब इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा मैं यहाँ पे, इवेंट एग्जाम्पल, इवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, दैट्स इट, ये कंस्ट्रक्टर अपना क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पे आएगा दिस डॉट माय इवेंट प्लस इक्वल टू, देखो सी शार्प में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये इवेंट क्या हो जाएगा आपका, ऑकर हो जाएगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ठीक है, ये बन गया आपका, इसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, console.writeLine मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो प्लस s1 प्लस s2।
यहाँ पे आप रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो ये इवेंट क्या होगा, जैसे आपका ऑब्जेक्ट कॉल होगा ST1 and STR2 दिस वन। अब मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आई विल क्रिएट दिस, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशंस, ओके, एंड नाउ आई विल रिप्रेजेंट दिस इवेंट एग्जाम्पल ओबीजे इक्वल टू न्यू इवेंट एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट आई विल सिंपली कॉल दिस, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इवेंट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा obj.myEvent एंड दिस वन यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वन एंड हेलो टू दिस वन तो जैसे मैं इवेंट को अकर्ड करूँगा ये इवेंट क्या हो जाएगा दिस वन ओके obj.myEvent तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इवेंट बनाया और जैसे मैं इस इवेंट को क्या करूंगा यहां पर मैंने कॉल किया, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है, जैसे मैंने इवेंट ये क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली इवेंट कॉल हुआ और इसके करेस्पॉन्डिंग जो ये इवेंट मेथड है इसको मुझे अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे मैंने इवेंट को कॉल किया तो इवेंट मेथड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉल हो गया। तो इस तरीके से आप इवेंट हैंडलिंग मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि डेलीगेट्स जो बेसिकली बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है, फॉर इवेंट हैंडलिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो डेलीगेट्स का मेन जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस का भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये सी शार्प का लास्ट टॉपिक है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस जो है ये आउटडेट हो चुका है, पर फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस एक जीवाई बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, जैसे अभी तक आपने पूरा सीवाई पे काम किया तो यदि आप सी शार्प के अंदर यदि विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस के थ्रू आप जीवाई एप्लीकेशंस भी बना सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी भी यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस तरीके से देखो मैंने क्या सेलेक्ट किया, फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद न्यू में गया, न्यू में जाने के बाद प्रोजेक्ट में गया, प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस पे मैं नेक्स्ट में गया, ठीक है। अब आपको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हो, प्लेस सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट टू द सेम डायरेक्टरी, इसको भी मैं क्या करूँगा मैनेज कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद .NET 7.0 थोड़ा सा आप LTS मैनेज कर लीजिए, ठीक है, दिस वे वी कैन मैनेज इट, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेजेस भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशंस पूरा एक GUI इंटरफेसिंग के फॉर्म में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो, ठीक है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो पूरा GUI बेस्ड होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, थोड़ा समय भी लेगा आपका लोड होने में, this one and build this, ये आपका पूरा फॉर्म इसके अंदर अपीयर हो गया। आप देख सकते हो कि ये पूरा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशंस का UI है, यूजर इंटरफेस है, ठीक है। और इसके अंदर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप अप्रोच भी होता है, यहाँ से आप पूरा कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसमें टूल बॉक्स होता है, ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जहाँ से हम पूरे एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा UI बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे आपको बटन बनाना है, टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो आप यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ से आप टेक्स्ट फील्ड ले सकते हो, तो अलग अलग जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सभी कंट्रोल्स को आप यहाँ पे लेकर के इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ओके। तो मैंने यहाँ पे यह लैंग्वेज अभी विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया, इसलिए विजुअल बेसिक अगर आप सी शार्प सेलेक्ट करोगे तो सी शार्प आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बिल्ड किया, ठीक है, नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम, तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस बन गया।
इस तरीके से विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। सी शार्प यूज़ करना है तो वापस से एक बार फिर से बताता हूँ, फाइल न्यू प्रोजेक्ट में जाना है आपको, विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस में जाना है, नेक्स्ट में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस 2 आ गया, ओके। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सी शार्प जरूर सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो सी शार्प लैंग्वेज के थ्रू ये क्या होगा, क्रिएट होगा, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्रिएट, तो दिस विल बी क्रिएट बाय सी शार्प, दोनों लैंग्वेज का सेट होगा। सी शार्प में क्रिएट करना है सी शार्प, तो मतलब ये जो आपका विंडो फॉर्म एप्लीकेशन है ये पूरा GUI बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन है। इससे पूरा GUI इंप्लीमेंटेशन क्या होगा इसके अंदर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सेशन भी मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। बस मैं आपसे बस यही बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को देखिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि इससे मेरा भी थोड़ा एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है, जिससे मैं वीडियोस और अच्छे से आपको बनाऊं, क्योंकि मुझे भी लगना चाहिए कि आपका जो पर्टिकुलर मेरा जो मेहनत है वो पर्टिकुलर कोई लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, व्यू हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, तो मैं आपको वीडियोस बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन बस इसके लिए बस यही है कि वीडियोस के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं इसको इम्प्लीमेंट आगे करूँगा। थैंक यू।